और भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत के गृहमंत्री जी का धन्यवाद करने आए थे। लंबे समय से इनकी आकांक्षा थी, इच्छा थी कि संविधान में शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण मिलता रहा है, लेकिन उनके साथ तरक्की थी उनके संघर्ष के कारण। प्रधानमंत्री जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकल्प के कारण ही पूरा हो सका है। उन्होंने मुझे कहा है कि ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाई है, मैंने और सामाजिक सद्भाव का एक लोगों की नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं जिनके साथ भी अभ्यर्थि हुई है उनके हकों को फिर से सुरक्षित करने का काम सर। रिसेंटली जो पीएम मोदी का यहाँ पर जम्मू कश्मीर में दौरा हुआ था, सर कैसे आप दौरे को देख रहे हैं सर? कितना बड़ा दौरा था खासकर कश्मीरियों के लिए? इसको इस तरह देखिए कि अप्रैल 2022 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे लगभग 21,000 करोड़ की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था उन्होंने, शिलान्यास किया। इस बार जब आए थे तो 32,247 करोड़ की प्रोजेक्ट्स का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुझे लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में विकास की इतनी परियोजनाओं का कभी लोकार्पण और शिलान्यास नहीं। मैंने उस दिन सभा में भी कहा था कि आने वाले 4 महीने में 20,000 करोड़ की प्रोजेक्ट और हम पूरा करते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, सुविधाएँ बढ़ती है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की इकॉनमी भी बढ़ती है। और इसी के कारण मैं समझता हूँ कि टूरिज्म मन प्रस्तुत हो रहा है, लोगों को पढ़ने लिखने का भी अवसर मिल रहा है, सुख शांति और अमन चैन भी कायम हुआ है। जो पहाड़ी कबीले को रिजर्वेशन दिया गया उसमें एक बात का ध्यान भारत सरकार ने विशेष रूप से रखा। पहले से जो समुदाय सिरूर ट्राइब में थे